स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे और हम शुरुआत कर रहे हैं 10 का दंगल की। 10 का दंगल में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के डर्टी पिक्चर की। सुशांत केस की जब से शुरुआत हुई है उसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं जो कि बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर को धीरे धीरे साफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बॉलीवुड में क्या क्या होता है, किस तरह के आरोप लग रहे हैं, किस तरह के आरोप पहले लगते रहे हैं, इनके पीछे की सच्चाई क्या है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि जिस तरह से सबसे पहले नेपोटिज्म सामने आया, उसके बाद ड्रग्स का मामला सामने आया और कई बड़े चेहरे इसमें एक के बाद एक सामने आते गए और अब ये पिछले मीटू अभियान को याद दिलाता हुआ ये केस अब आगे बढ़ रहा है जिसमें कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं और अब नेपोटिज्म और ड्रग्स के बाद एक और छेद सामने आ रहा है बॉलीवुड का और वो है कास्टिंग काउच का। समय समय पर कई बार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं लेकिन अब जिस तरह से बड़े स्तर पर ये आरोप लग रहा है, बड़े स्तर पर दो खेमे बटे हुए लोग नजर आ रहे हैं, इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या अब बॉलीवुड अपने सियासी हलकों की वजह से, अपने सियासी इंटरेस्ट की वजह से भी दो खेमे में बट रहा है। क्या बॉलीवुड के बड़े जो दिग्गज हैं उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो वास्तविकता का सामना करें और वो अगर कोई जांच की बात करता है तो उसका सपोर्ट करें और सब मिलके आवाज उठाएं जिससे कि बॉलीवुड की इस डर्टी पिक्चर को पूरी तरह से साफ किया जाए, चाहे वो जिस भी तरह से इस पर गंदगी के आरोप लग रहे हैं उस गंदगी को साफ किया जाए। तो चलिए, इसी पर होगी आज बड़ी बहस। हम 10 का दंगल में तमाम मेहमानों को जोड़ेंगे और बात करेंगे इस गंभीर मुद्दे पर। और आज के सवाल की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज का सवाल क्या है, किस तरह से नेपोटिज्म, ड्रग्स और उसके बाद और अब सामने आ रहा है कि आप अगर अपना जिस्म देते हो तो आपको फिल्म मिलती है, क्या है इसकी सच्चाई, क्या यही है बॉलीवुड की पहचान। आज के सवाल पर गंभीर रूप से हम चर्चा करेंगे लेकिन किस तरीके से ये डर्टी पिक्चर सामने आ रही है बॉलीवुड की, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये एक बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है। तो चलिए अब बात करेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड तमाम तरह के विवादों से जूझ रहा है, कभी नेपोटिज्म के आरोपों को लेकर तो कभी ड्रग्स के मुद्दे को लेकर। ताजा मामला कास्टिंग काउच का है और साउथ की एक एक्ट्रेस पायल घोष ने बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। हालांकि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का बम पहले भी फूटता रहा है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं लेकिन अनुराग कश्यप पर लगे ताजा आरोपों के बाद ये सवाल फिर से मुंह उठाकर खड़ा हो गया है कि क्या नेपोटिज्म, ड्रग्स, सेक्स और सौदा बॉलीवुड की असल पहचान है। तो चलिए बात करते हैं और सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर। ड्रग्स गैंग के बाद कास्टिंग काउच का काला सच। यौन शोषण के आरोप, बुरे फंसे अनुराग। सुशांत की मौत से शुरू हुआ विवाद, पहले नेपोटिज्म, फिर ड्रग्स गैंग और अब एक बार फिर बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का जिन्न बाहर आ गया है। बॉलीवुड में मीटू रिटर्न ने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने अब अनुराग कश्यप के खिलाफ केस दर्ज कराने का फैसला लिया है। उन्होंने जो अभी आरोप किया है कि उनके साथ जो 2015 में उनके साथ जो मोलेस्टेशन हुआ था, उनको घर में बुला के उनके साथ जो गलत व्यवहार किया गया था उसके बारे में अभी पायल घोष ने उनके जो आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने का अभी तय कर लिया है। साउथ की मशहूर एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर हैरेसमेंट और मीटू का आरोप लगाया है। पायल ने पहले ट्वीट कर फिल्म जगत में सनसनी मचा दी, फिर वो मीडिया के सामने आई और खुद 2015 की घटना की आप बीती बताई। मैं उनके घर पे मिलने गई थी और उन्होंने मेरे साथ जो बिहेव किया वो अनएक्सेप्टेबल था, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया और क्योंकि ये 2014-15 की बात है लेकिन मुझे अभी भी ये चीज़ हॉर्न करता है। मैं बहुत बार बोलने की कोशिश की लेकिन मुझे मेरे घर से बोलने नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स फैमिली लोग नहीं बोलने दिया ये बात को। और क्योंकि आप अगर गूगल सर्च कर लो मेरे लाइफ में आज तक एक भी नेगेटिव, इवन मेरा ब्रेकअप लाइनअप, मतलब ऐसा भी कुछ रिलेशनशिप के बारे में भी किसी को लेके कुछ भी नहीं है। और जबकि ये बहुत मतलब बड़ी बात है, एक लड़की अपनी इज्जत के बारे में बोलते हैं तो वो हमारे देश में अभी भी ये बहुत बड़ी बात है।
हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले और बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले अनुराग कश्यप ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर न सिर्फ सफाई दी है बल्कि पायल घोष के आरोपों को सिरे से खारिज भी किया है। अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर कहा, मैं न तो इस तरह का व्यवहार करता हूँ और न किसी कीमत पर बर्दाश्त करता हूँ। बाकी जो भी होता है देखते हैं, आपके वीडियो में ही दिख रहा है कि कितना सच है और कितना नहीं। अनुराग कश्यप से सीधे टकराती रही कंगना रनौत भी पायल घोष के समर्थन में उतर आई हैं। कंगना ने बॉलीवुड की असलियत से भी पर्दा उठाया। कंगना ने बताया कि फिल्म में 2 मिनट का सीन भी किस शर्त पर मिलता था। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में कहा, बॉलीवुड ऐसे सेक्सुअल प्रोड्यूसर से भरा है जिनकी शादी फेक और डमी है। वो हर दिन हॉट गर्ल चाहते हैं जो उन्हें खुश करे। पायल घोष के मामले की गूंज संसद में भी सुनाई दी। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने यह मामला लोकसभा में उठाया। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा? एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो, हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। ये एक चौंकाने वाली बात है और हम मैंने उनको ट्वीट बैक किया था कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें तो आप डिटेल कंप्लेंट मुझे अपनी भेजें, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अनुराग कश्यप पिछले काफी दिनों से अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं, लेकिन पायल घोष के संगीन आरोप के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। साथ ही बॉलीवुड की थाली में कितने छेद हैं ये दिखाना भी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस गंभीर मुद्दे पर आज होगी गंभीर चर्चा। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता शालिनी है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, चेतन सिंह है पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजपुंज है पॉलिटिकल एनालिस्ट और शिवसेना के सपोर्टर भी हैं, प्राची अधिकारी हैं एक्ट्रेस हैं और मानवी तनेजा हैं जो कि मॉडल और एक्ट्रेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिवसेना से, शिवसेना के सपोर्टर से। शिवसेना का फिलहाल शासन है महाराष्ट्र में, लेकिन एक चीज कल से आज तक सामने आ रही है कि शिवसेना के लिए जो विक्टिम्स होते हैं वो उनके अलग अलग तराजू पर वो उनको तौलते हैं। कल से आज तक में इसकी तस्वीरें कई बार हमने देखी हैं साफ होती हुई। राजपुंज जी, आपका रुख करेंगे सबसे पहले और आपसे जानना चाहेंगे कि विक्टिम आपके लिए बराबर क्यों नहीं है, और साथ ही अगर आपने रिया का बचाव किया, रिया को लेकर के आप लगातार आपका जो भी अप्रोच था वो नजर आ रहा था, तो अब पायल घोष के साथ आप लोग क्यों नहीं है? श्वेता जी, देखिए शिवसेना हमेशा नारी के सम्मान में रही है, हम हमेशा कहते हैं इस बात को। और दूसरा ये है कि कभी भी ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। हाँ, किसी को लगता होगा क्योंकि कम है किसी के साथ ज्यादा है, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं है, कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं है। दूसरा एक चीज और मैं बताता हूँ कि बॉलीवुड इतना जो 106 साल पुराना है उसमें आज तक किसी के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार है नहीं किया गया। लेकिन अब ये कहते हैं कि आपने इनकी साइड ली, आप इनका पक्ष लेते हैं। हमने वो पक्ष ले लिया, हमने सिर्फ क्वेश्चन उठाया था कि उन्होंने इस प्रकार से उनके ऊपर आरोप, मतलब इस प्रकार से क्यों लगाया जबकि वो आरोपी थी, उनको अपराधी क्यों बना दिया रिया जी। हाँ, अब रिया जी आज कटघरे के अंदर है, वो किस केस में आपको मालूम है, वो ट्रक के ऊपर है। हमने शुरू किया था जस्टिस फॉर सुशांत, आज वो कहीं लुप्त है, आज नजर नहीं आ रहा कहीं। अब जस्टिस फॉर सुशांत में आप भी थे, हम भी थे, लेकिन हमें दरकिनार कर दिया गया और हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप की पूरी रामायण शुरू कर दी गई जो सही नहीं थी। हम उस पर कहीं भी हमेशा जस्टिस फॉर सुशांत हम हमेशा खड़े थे। लेकिन अब इनको क्या कहें, सोशल मीडिया पे भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप प्रतिदिन लगते हैं, तो उसपे हम ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ये है कि इस प्रकार से अगर किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो वो बहुत ही दर्दनाक। ठीक है, चलिए श्वेता शालिनी जी का रुख कर लेते हैं। मैं उसको कोई पक्ष नहीं देता। श्वेता शालिनी जी हमारे साथ हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। श्वेता जी, हम जिस तरह से विक्टिम शेमिंग की बात कर रहे हैं कि अभी कुछ इस तरह के मामले सामने आए नहीं कि विक्टिम शेमिंग शुरू हो जाती है, क्या हमें जांच तक का इंतजार करना चाहिए या फिर जिसके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं या जो आरोप लगाने वाली महिला है, अगर इस तरह से हम विक्टिम शेमिंग ही शुरू करेंगे तो इस तरह से महिलाओं में वो आ ही नहीं पाएगी वो ताकत कि वो मजबूत लोगों के खिलाफ आकर के आवाज उठाएं? देखिए, इसके दो पहलू हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है श्वेता जी। पहली चीज कि हमारी हमारी जो पूरी सोसाइटी है, पूरा समाज है, उसको उसकी व्यवस्था को इतनी मजबूत करनी चाहिए कि महिलाओं को 2-3-4 साल इंतजार ना करना पड़े
अपने साथ हुए हुए दुर्व्यवहार के लिए बाहर आकर बोलने के लिए। आज महिलाओं को कहीं ना कहीं शर्म या कोई ना कोई लिहाज ये सोच के रखना पड़ता है कि शायद मेरी कोई सुने ना सुने, और जब वो बोलने की हिम्मत कर पाती हैं तो राज जी और उनके पार्टी जैसे काफी लोग बाहर आकर उनको शेमिंग और विक्टिम शेमिंग जिसे आप कहते हैं उसका सामना करना पड़ता है। इसीलिए यदि कोई महिला बाहर आती है तो हमें बहुत पुरजोर तरीके से उसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, लेकिन उसके बाद जांच अवश्य करनी चाहिए, जांच अवश्य होनी चाहिए। और मानवी तनेजा जी के पास अब चलेंगे। बिल्कुल मानवी जी, कहा जा रहा है कि फेयर ट्रायल सबका हक है और फेयर ट्रायल होना चाहिए। उससे पहले हमें ना किसी को इस तरीके से देखना चाहिए कि वास्तव में उसने ये कुकृत्य किया है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगी कि कश्यप के पक्ष में जो लोग खड़े हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें उनको अभी इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, और फिर ट्रायल होना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए। मानवी, देखिए बॉलीवुड जो है वो दो गैंग्स में डिवाइड हो गई है। एक है कंगना गैंग, जिस जो जस्टिस के लिए रेस वॉइस अपनी रेस करती है, अपनी हित के लिए वॉइस रेस करती है, और दूसरा है गुंडा गैंग। तो गुंडा गैंग इस वक्त अनुराग के साथ है, सारा का सारा गुंडा गैंग जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व है, जो फीमेल्स को एक्सप्लॉइट करता है, तो वो सारा का सारा अनुराग के साथ है। और जहां तक बात है कि वो कह रहे हैं कि हमें उस दिशा में अनुराग को नहीं देखना चाहिए, मैं आपको बताना चाहती हूं 95% ऑफ द केसेस में आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, एक फीमेल प्रूफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो कुछ भी होता है, जो हैरेसमेंट होती है, वो एक बंद दरवाजे में होती है, भरी महफिल में नहीं होती है। तो आप मुझे बताइए, इसको एक प्रूफ करना, एक लेडी को प्रूफ करना कि ऐसे कुछ हुआ है, कितना मुश्किल हो जाता है। आपको थोड़ा फैक्ट्स पे जाना चाहिए, आपको थोड़ा सा उसकी बातों पे जाना चाहिए, और बिल्कुल एग्जैक्ट तो एविडेंस कोई भी लेडी नहीं दे सकती, बिकॉज आपको जैसे मैंने बताया है कि कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होता है इसके अंदर, आप इसमें एविडेंस के साथ लैक करते हैं। तो लेकिन उसके लिए भी कानून है, अगर आपको याद होगा विशाखा गाइडलाइंस है उसके लिए भी, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस एक्ट, इसके तहत जो विशाखा गाइडलाइंस के तहत ये जो एक्ट बनाया गया था, तो उसमें भी जो नियम है उनके तहत, जो कानून है उनके तहत ही इसमें कार्रवाई होगी। और अगर FIR दर्ज होती है, या कोई भी महिला जो कि मीटू जो मूवमेंट चला था उसके तहत भी अगर किसी ने किया था, तो उसी के तहत वो जांच हो रही है। एग्जैक्टली तो होती है, लेकिन मेरे को यहाँ पे लगता है प्रॉब्लम ये कि जो भी न्यू कमर आता है इंडस्ट्री में, तो वो इतना दब जाता है, बिकॉज न्यू कमर होता है, उनको लोग जानते नहीं है, तो जानने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो वो ना कहीं ये सोचती है कि हम न्यू कमर है, और वो जो भी इंडस्ट्री में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिनका नाम ऑलरेडी होता है, तो वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में होते हैं, उनका नाम होता है, उनको सब जानते हैं, रिकग्नाइज होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नई महिलाएं होती हैं, जो आती हैं, उनकी आवाज दब जाती है। तो मेरे हिसाब से उनको दबना नहीं चाहिए, उनको आवाज उठा हालांकि इसको लेकर भी कानून है कि वो बाद में भी रिपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन इस केस में भी, यानी कि पायल घोष के भी केस में, यह कहा जा रहा है कि जब घटना हुई उसके इतने साल बाद ऐसे लोग सामने क्यों आते हैं, क्या कहेंगे आप? प्राची हमें सुन पा रही हैं? प्राची अधिकारी हमें सुन पा रही हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी जी, कहा जा रहा है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब महिलाएं सामने क्यों नहीं आती, हालांकि इसको लेकर भी गाइडलाइंस हैं, इसको लेकर भी कानून है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, हमारे जो फिल्म, हमारे अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो साउथ का हो या बॉलीवुड का, हमारे पास सबसे पहले फिल्म चैम्बर है। अगर कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस प्रकार की हरकत करता है, तो आप चुपचाप से जाइए और वहां के चेयरमैन को अगर कंप्लेन करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, उसकी एक इंक्वायरी होती है, उसे ब्लॉक कर दिया जाता है या बैन कर दिया जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है। आप बड़े बड़े यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए, साउथ के भी, इवन प्रभु देवा के साथ भी ऐसा हुआ है, लोगों के साथ बहुत बार हुआ है कि 6 महीने या 1 साल कुछ साल के लिए बैन करा गया है। हाँ, अगर किसी ने कुछ गलत करा और लड़की कॉम्पनसेशन चाहती है, तो उसे कॉम्पनसेशन भी मिलता है। एक लड़की को यहाँ मिला था कॉम्पनसेशन, क्योंकि उसको फिल्म के नाम पे करा गया था उसको, तो उसने अपना कॉम्पनसेशन मांगा था। लेकिन मैं ये जानती हूँ, देखिए, मैं विदाउट बीइंग लाइक फेमिनिज्म का कार्ड बिना खेले एक बात बोलती हूँ, जो लोग कहते हैं यहाँ पर 90% है, 80% है, ऐसा नहीं है।
99.99% यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज है। जैसा कि पायल घोष की एक बात से मैं एग्री नहीं करती हूँ, जो कि उन्होंने कहा कि साउथ के बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ मैंने मूवी करी, वहां ऐसा नहीं है। मैं सिद्धिविनायक की कसम खाती हूँ, वो मुझे एक बड़ा डायरेक्टर। चलिए एक बार फिर से राजपुंज का रुख कर लेते हैं। राजपुंज, जिस तरह से कल शिवसेना के एक प्रवक्ता किशोर तिवारी जी को मैं बहुत जगह मैंने सुना, कई बार वो ये कह रहे थे कि पायल कंगना गैंग के सदस्य हैं और इस वजह से बीजेपी भी उनका सपोर्ट कर रही है, क्या इतने गंभीर मुद्दे पर आपकी पार्टी को इस तरह के बयान देना शोभा देता है? नहीं श्वेता जी, उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं, ऐसा कोई पार्टी का नहीं है ना? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी का ऐसा कोई ऐसा वो नहीं है कि इस बारे में बोला गया है। पार्टी सबके साथ है, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है पार्टी उसके साथ खड़ी है, चाहे आगे कोई भी हो, चाहे आगे किस हो तरह की आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, जो प्रशासन है काफी हद तक सरकार बिल्कुल सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, आगे किस तरह की कार्रवाई होगी इस मामले में? देखिए पुलिस प्रशासन अपने कार्य को बखूबी जानता है और करेगा, और जैसे अभी महिला आयोग में वो गई है वहां से भी कार्य होगा, जो भी होगा आगे जो उसके संज्ञान में आएगा उसको करा जाएगा, उनके जो भी इसमें पाया जाएगा आरोपी उसको अवश्य दंड मिलना चाहिए। श्वेता सालनी, आप इससे सहमत हैं कि जो भी आरोपी होंगे निष्पक्ष जांच होगी? अभी फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, जिस तरह से पिछले केस यानी सुशांत केस में हमने देखा जो स्थिति नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच इस माहौल में होगी? देखिए ऐसा है श्वेता जी, जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और खासकर खोज पत्रकारिता एक ऐसा विषय है जिसके विषय में हर मीडिया को अपनी तरफ से कदम उठाने ही चाहिए, इसलिए मीडिया अपना रोल इस चीज में अदा कर रही है। मैं आप लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं जब ये हौसला करती हैं कि उठ के अपने ऊपर हुए हुए अन्याय की बात करें तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स उठाते हैं, ये बहुत ज्यादा शायद प्ले करेगा सारी राजनीति और सारे लीडर्स के ऊपर ये स्ट्रेंथ लाने में कि वो सच की तरफ रहें और कोई एक स्पेसिफिक झुकाव ना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कंगना के केस में भी कि किस प्रकार से दृढ़ता से हर नियम का उल्लंघन करते हुए शिवसेना ने उन्हें प्रताड़ित किया। बिल्कुल, चलिए चेतन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। चेतन जी, जिस तरह से नेपोटिज्म, ड्रग्स और अब कास्टिंग काउच, बॉलीवुड एक के बाद एक इन डर्टी पिक्चर्स बॉलीवुड से सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि इसको कहीं ना कहीं एक रिव्यू करने की जरूरत है, इसको धोने की जरूरत है, इन तमाम चीजों से बॉलीवुड को निकालने की जरूरत है? देखिए, अगर आप बात करेंगे नेपोटिज्म की तो ये बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट जाता है, और अगर आप देखेंगे सभी क्षेत्रों में सभी जो चाहे वो राजनीति हो तो चाहे वो किसी भी तरह ठीक है, ड्रग्स और कास्टिंग काउच की बात कर लेते हैं, ड्रग्स और कास्टिंग काउच की बात कर लेते हैं। ओके, ड्रग्स की अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर समझना पड़ेगा ड्रग्स की बात, ये कब हमारा एनसीबी कब बनी थी हमारे देश में, कई साल हो चुके हैं और वो अपना बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से राजनीति घुस जाती है किसी भी क्षेत्र में, देखिए फिल्म में क्या हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री में अब राजनीति घुस गई है। अब देखिए इन्होंने बोला कंगना रनौत, अब देखिए कंगना रनौत को वाइट प्लस सिक्योरिटी देने की क्या आवश्यकता पड़ गई, आप मुझे बताइए, अगर उनको जवाब लेंगे श्वेता शालिनी जी से, जो सेफ्टी से एक मिनट रुक जाइए, बस 10 सेकंड और दे दीजिए, अभी देखिए उनको अगर उनको श्वेता जी सुनिए एक सेकंड, अगर उनको सिक्योरिटी चाहिए थी तो हिमाचल प्रदेश सरकार उनको दे सकती थी बीजेपी की, अगर वो महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करते, क्योंकि देखिए ये फेडरलिज्म पे अटैक है हमारे देश का, हमारे देश का फेडरलिज्म बहुत खूबसूरत ढांचा है, तो उसमें राज्यों और केंद्र को मिलकर काम करना चाहिए। आप ना राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं को विशेषज्ञ बना के मत लाया कीजिए, और दूसरी चीज श्वेता जी, मैं चेतन जी को बताना चाहती हूँ, यदि उनको वाई सिक्योरिटी नहीं दी गई होती तो उनका भी वो नेवी के जो एक्स ऑफिसर है मदन शर्मा जी, उनकी तरह हाल किया रहता, आज उनकी भी ट्वीट कहीं ना कहीं आपको दिख रही होती जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे होते, शायद उससे भी बदतर कुछ ना कुछ उनके साथ हो गया होता व्यवहार, इसीलिए चेतन जी आप सोच के बोला कीजिए। दूसरी चीज, हिमाचल ने उनको सिक्योरिटी दी थी, ये तो जब उन्होंने अमित भाई से दरख्वास्त की तो उन्होंने उनको सेंट्रल लेवल से भी वाई सिक्योरिटी दी, क्योंकि यहाँ की सरकार जो राजपुन जी की सरकार है या आपकी सरकार, अब मैं कहना चाहूंगी, वो उनको सिक्योरिटी देने के बजाय अब वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। चेतन जी कहिए। देखिए अब जो जिस तरह से क्या कर रही है व्यक्तिगत
व्यक्तिगत आरोप लगा रही है मेरे ऊपर और व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही है। अब देखिए इस तरह की क्यों कर रही है, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ गंभीर मुद्दा नहीं है। फेडरलिज्म, मैंने इनको बोला, हमारे संविधान का बहुत खूबसूरत ढांचा है फेडरलिज्म। दूसरा क्या कर रही है, ये एक राज्य सरकार के ऊपर, क्यों, क्योंकि वो केंद्र द्वारा शासित राज्य नहीं है। अगर वो केंद्र द्वारा शासित राज्य होता तो इस तरह नहीं होती। कितने अटैक किए गए, सीरीज ऑफ अटैक इस सरकार के ऊपर किए गए हैं। कारण यही है क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है सरकार चल कैसे रही है। हमने जयपुर का भी अभी आपके सबके सामने हमने देखा था, राजस्थान में क्या किया गया था, जो जयपुर मॉडल से पहले हमने देखा था। चलिए हम मुद्दे को भटकने ना दें, हम फिलहाल जिस मुद्दे पर हैं उसी पर रहें, मुद्दे को भटकने ना दें, ये भी जरूरी है चेतन जी, हम मुद्दे को भटकने ना दें। श्वेता जी, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अलग अलग जो आरोप लगा रहे हैं अभी चेतन सिंह जी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है जो सरकार की सरकार का स्टैंड है, इसके लिए आप क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं? देखिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग स्टैंड बिल्कुल नहीं है। क्या ये सभी राजनीतिक पार्टियों में खिलाफ खड़ी है? शिवसेना सभी इसका जवाब लेंगे, अन्याय के खिलाफ खड़ी है। चेतन जी के पास बोलने के लिए मुद्दा नहीं है, इसलिए मुख्य मुद्दा छोड़कर वो दुनिया भर की जयपुर और उदयपुर की बात कर रहे हैं। आप एक चीज समझें, जिसके साथ भी अन्याय होगा सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। पायल जी के साथ अन्याय हुआ है, आज हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ, जांच का मुद्दा है, जांच करवाइए, यदि जो गिल्टी होगा हम उसके साथ नहीं खड़े रहेंगे। जिसको न्याय, जो न्याय की गुहार करेगा उसके साथ तो खड़ा रहना ही पड़ेगा, फिर चाहे महिला आयोग। राजपूत जी उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? राजपूत जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, राजपूत जी बोलिए। मेरा असल में श्वेता, आप दोनों हैं तो मैं श्वेता शालिनी जी से ये बताना चाहता हूँ कि वो मुंबई पुलिस के पास गई ही नहीं। कंगना जी मुंबई पुलिस के पास गई नहीं, और राम कदम जी जो आपके नेता है उन्होंने स्पष्ट उन्हें कहा था कि आप मुंबई पुलिस से जाकर सुरक्षा लीजिए, तो क्यों नहीं गई वो मुंबई पुलिस के पास? वो क्यों मैं जवाब देना चाहूंगी, सीधे वक्तव्य प्रस्तुत करते रहे, तो मतलब ये कोई तरीका नहीं है ना। और संजय राउत जी ने भी उनको बोला कि आप सभ्य हैं, अच्छे रोल करें, हर कोई पसंद करता है पूरे महाराष्ट्र में। हम मुख्य मुद्दे पर लौटे, कास्टिंग काउच की बात करें, डर्टी पिक्चर को किस तरह से हटाने की जरूरत है बॉलीवुड से, उसकी बात करें, ये बेहतर होगा, ये बेहतर होगा। जी श्वेता शालिनी जी, मैं सिर्फ आंसर देना चाहता हूँ। मैं श्वेता 60 दिन तक राज्य 60 दिन तक आपकी पुलिस आंख मिचौली खेलती रही, जांच के बजाय आज क्या हो रहा है? और जब श्वेता शालिनी जी आज एक बात बताइए, मैं आज तो कोई नहीं बोल रहा है, सीबी अपना कार्य कर रही है, हमने भी कुछ कहा, हमें भी विश्वास है। अब आप क्या चाहते हैं कि वो आके आपके मुंबई पुलिस से न्याय मांगे? जब आप, अरे न्याय मांगने के लिए नहीं कहा, अरे आप जो कह रही थी वही मांगने के लिए कहा। आप देखिए, किसी ने रिटर्न करने के लिए इंटरव्यू में देते हैं बोला था कि वो ड्रग्स लेती है, और आपने कहा था, आपने कहा था इस पर कार्रवाई होगी, उसने बोला कि मैं ड्रग्स के मामले में कंप्लेंट की, आपको कंप्लेंट आनी चाहिए होती, अगर आप ये गलत पकड़ना चाहते हो तो सीधा ड्रग टेस्ट हो गया, किसी ने कंप्लेंट नहीं करी थी, एक इंटरव्यू में बोला था, कुछ साल पहले बोला था, जिसका आपने जवाब दिया कि हम उसका टेस्ट करेंगे, और जिसका एक्चुअल टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं उसका करते नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही सिचुएशन आती है। आप ये बताइए राजपूत जी कि क्या आप अभी अनुराग कश्यप के साथ हैं, या फिर आप ये कहेंगे कि हाँ जांच होनी चाहिए, कोई भी महिला अगर इस तरह के आरोप लगाती है तभी जाकर के बॉलीवुड पूरी तरह से साफ हो पाएगा, डर्टी पिक्चर दूर हो पाएगी? राजपूत जी जी जी, सरकार सबके साथ होती है, सरकार किसी एक के लिए होती है। नहीं नहीं, ये गोल गोल जवाब मत दीजिए कि सरकार सबके साथ होती है, लेकिन सामने के बारे में पर्टिकुलर आप बात कीजिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, कास्टिंग काउच बॉलीवुड में बहुत गंभीर मुद्दा है। राजपूत जी, इस मुद्दे पर बात कीजिए, आप किसके साथ हैं, आपकी पार्टी किसके साथ है, इस पर बात कीजिए। अखबार है माननीय बाला साहब ठाकरे जी, तो इसका मतलब सामना एक अखबार है, उसके अंदर हर चीज लिखी जाएगी। देखिए, अलग अलग विक्टिम के आधार पर अलग अलग पार्टियां अपने चेहरे सामने ना लाएं, ये बेहतर होगा। और जहां तक हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड की पिक्चर किस तरह से डर्टी होती जा रही है, इस पिक्चर को अगर साफ करना है तो इस थाली में जितने छेद हैं उन सबको भरना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, अपने इस खास कार्यक्रम में हम लौटेंगे और बात करेंगे आगे भी इस गंभीर मुद्दे पर कि किस तरह से बॉलीवुड के इस डर्टी पिक्चर को साफ करने की जरूरत है, किस तरह से जो मामला शुरू हुआ था सुशांत केस में नेपोटिज्म का, जिस तरह से आरोप लगा था कि बहुत ज्यादा है बाहरी लोगों को मौके नहीं दिए जाते, उसके बाद ड्रग्स का एंगल सामने आया,
कई ऐसे बड़े नाम खुलासे हुए, कई लोग जेल भी गए जो कि अभी पुलिस हिरासत में है, उनसे जांच भी हो रही है। तो अब इसमें कास्टिंग काउच का एक नया मुद्दा जो कि ये बताने के लिए काफी है कि बॉलीवुड को कितना ज्यादा अभी जरूरत है उसके डर्टी पिक्चर को साफ करने की, उसके थाली में जो छेद दिखाई दे रहे हैं उसको भरने की। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ेगा, फिलहाल रुकेंगे एक बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापसी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के डर्टी पिक्चर की, बात कर रहे हैं किस तरह से बॉलीवुड में एक के बाद एक कई ऐसी गंदगी सामने आ रही है जिसको दूर करना बेहद जरूरी है। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम रुक करेंगे श्वेता शालिनी का, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। पीएम को डायरेक्ट पायल घोष ने उनको टैग करके ट्वीट किया है और इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान भी लिया है। आगे जिस तरह से कंगना का सपोर्ट हुआ, केंद्र सरकार का भी सपोर्ट मिला, आगे क्या पायल के लिए भी ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं शालिनी जी? देखिए ऐसा है, मैंने आपको पहले कहा है कि सरकार हर न्याय मांगने वाले के साथ खड़ी, लेकिन कंगना एक नेशनल अवार्ड विनर हैं और इसीलिए उनको, क्योंकि डायरेक्टली संजय राउत जी ने आकर उनके ऊपर टिप्पणी की गई, उन्होंने ड्रग माफिया का नाम लिया और कहा एक 60 दिन से ऑलरेडी सीबीआई पे जाने वाली जांच के अंदर वो एक मुख्य भूमिका निभा रही थी, इसीलिए उन्हें एक प्रकार की सुनवाई हुई। मुझे लगता है पायल की भी सही जगह पे सुनवाई होगी, ऑलरेडी एनसीबी। लेकिन अगर नेशनल अवार्ड विनर है, बड़ी एक्ट्रेस है कंगना, तो आप क्या ये कहना चाह रही हैं कि उनके लिए जो तरीका अपनाया गया, जिस तरह से उनका सपोर्ट तुरंत किया गया, उनके लिए न्याय की बात की गई, उस तरह से नहीं करेगी सरकार? बिल्कुल करेगी। जो न्याय जिस प्रकार का न्याय पायल ने मांगी है, उस प्रकार का न्याय उसे अवश्य। सिर्फ ये एक पायल की बात नहीं है, ये पूरे बॉलीवुड की बात है, ये पूरे बॉलीवुड की बात है। और किसी भी पार्टी को इसमें बटने की नहीं, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है महाराष्ट्र में, अब शिवसेना की सरकार है। किसी भी पार्टी को इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि उसको अगर इन चीजों के बारे में पता था उसने इस पर कार्रवाई की, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस पर पार्टियों को बटना चाहिए, क्योंकि ये बेहद गंभीर मुद्दा है, पूरे बॉलीवुड की बात है। इसमें किस तरह से महिलाओं को सामना करना पड़ता है इस तरह की चीजों का, राजपूत जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं कहूंगी ये समाज का मुद्दा है। श्वेता जी बिल्कुल, इसमें किसी को बटने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सबको संगठित होकर एक साथ चलने की आवश्यकता है, और इस प्रकार के मुद्दे महिलाओं के साथ तो होते हैं कई बार। तो क्या उम्मीद की जाए राजपूत जी, किस तरह की बड़ी कार्रवाई हो सकती है, किस तरह से इस मामले की जांच होगी जिससे कि सिर्फ एक पायल के जरिए ही, सिर्फ एक पायल की बात नहीं है, पायल के जरिए ही पूरे बॉलीवुड में जो इस तरह का नेक्सस है उसका खुलासा हो सके, इस गंदगी को साफ किया जा सके, क्या करेगी सरकार? बिल्कुल, अगर सरकार के सामने मुद्दा आएगा तो जरूर उस पर कार्रवाई। मुद्दा आ चुका है, अब कैसे आएगा राजपूत जी? अभी तो पायल जी प्राइम मिनिस्टर जी को कह रही है, अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गई है, उनको कह रही है, तो प्रधानमंत्री से ऊपर तो हमारे देश में कोई है नहीं। प्रधानमंत्री को उन्होंने अगर टैग करके ट्वीट किया है, जिस राज्य में वो रह रही हैं, उस राज्य के प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है अगर कोई मामला इस तरह का सामने आ रहा है? श्वेता जी बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन एक आप एक देखिए देश की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, और चीन वहां पे बॉर्डर पे खड़ा है, कई समस्याएं देश की है, अब प्रधानमंत्री कई समस्या है, ये एक बड़ी समस्या नहीं है? शालिनी जी क्या कहेंगे इनके लिए आप? कानून बनाने की आवश्यकता है जिससे कि महिला सुदृढ़ रहे, महिलाओं को कभी भी इस बात का शक न हो कि मेरी सुनवाई होगी या नहीं होगी, और इसीलिए चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उन्हें महिलाओं की सुनवाई करनी ही चाहिए। और यही वो सही तरीका है जिससे कि पायल की सुनवाई होगी। मेरा यही दरख्वास्त रहेगा। प्राची कुछ कहना चाह रही है जी, प्राची बोलिए। जो महिला आयोग है वो भी प्राची अधिकारी कुछ कहना चाह रही है, उनको भी सुन लेते हैं। सभी संगठनों को ये मालूम हो गया है कि एक महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो चाहे वो कोई भी संगठन हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, महिला चाहे छोटी हो बड़ी हो, गरीब हो अमीर हो, या 45 साल की औरतों के साथ नहीं हो रहा, या 25 साल की लड़की के साथ नहीं हो रहा, या 20 साल की छोटी बच्ची दूध मुही, या तो बकरी हो। बिल्कुल, सवाल यही है जी, मेरा कहना यही कि राष्ट्रीय स्तर पे जब
मेरे राम मंत्री को बोलना पड़ा, जिसका फैसला बाप कर सकता है उसका फैसला दादा जी को करना पड़ा है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी को कह रही है करनी चाहिए थी महिला, ये नहीं देखा जाता कि कंगना है कि पायल है कि प्राची है कि ये कोई भी हो, हम एक है, हमारे मसला है उसे सॉल्व करिए। आप जो भी आपको लगता है उसके प्रमाण दीजिए, जो आपके साथ करने की चाहिए आपको बुलाना चाहिए, जैसा कि आपने कंगना को मतलब तो ये हुआ प्राची जी पायल तरीके से क्या बेटी है हमारे ऑफिस में हम देखते हैं देखिए शोर करने से नहीं होगा, इस गंभीर मुद्दे को हमें गंभीरता से लेना होगा। राजकुंद जी प्राची जी गंभीर मुद्दा है, बेहद गंभीरता से लेना होगा। कंगना ने कहा था मानवी आपसे इस पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। कंगना ने कहा था, सुनिए, कंगना ने कहा था कि बाहर से आने वाली लड़कियों को सेक्स वर्कर की तरह ट्रीट किया जाता है। कंगना सिर्फ किसी एक लड़की के लिए नहीं कह रही थी, बल्कि बॉलीवुड में तमाम वो लड़कियां जो कि बाहर से अपना करियर बनाने के लिए आती हैं, किस तरह से उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको नहीं लगता राजपूत जी कि इस तरह की अगर चीजें बड़े लेवल पर हैं, सिर्फ एक किसी एक लड़की की ये बात नहीं है, किसी एक एक्ट्रेस की ये बात नहीं है, बल्कि पूरे बॉलीवुड पर ये सवाल है और आप लोगों को इसमें पूरी तरह से लग के जल्द से जल्द इस काली करतूत के जो पीछे के लोग हैं उनको उजागर करना चाहिए? बिल्कुल श्वेता जी, इस पे जो भी मैं वही कह रहा हूँ कि सबको संगठित होकर चलना चाहिए। बिल्कुल, ये महाराष्ट्र कंगना ने जैसे ये बोला है वो 99% सही बोला है, क्योंकि जो बाहर से महिलाएं आती हैं, जो स्मॉल टाउन से महिलाएं आती हैं, उनके जो ड्रीम्स होते हैं, उनकी ड्रीम होती है मूवी में काम करना, और उसी की वजह से ये जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, ये शिकंजे में ले लेते हैं, ये एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, ये सेक्सुअली हरास करना चाहते हैं, लेकिन आपकी सरकार कुछ नहीं करती। जैसे कि अभी पायल के केस में वो अभी आवाज उठा रही है, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग और पीएम को अगर टैग किया है तो वो लोग देखें, ये तो ऐसा कह रहे हैं कि वो लोग देखें, इन लोगों की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि पीएम को टैग किया है तो वो देखें, उनसे बड़े काम है नहीं। बन क्या जाते हैं, ऐसा क्या है राजपूत जी? राजपूत जी से मुझे ये क्वेश्चन करना है, तो प्रिया क्यों, तो रिया के लिए इतनी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि बहुत लोगों को बचाया जा रहा है ना, तो आपने खुद ही बोल दिया कि आप गुंडा गैंग के एक प्रवक्ता हो, आप गुंडा गैंग को सपोर्ट करते हो, तभी आप रिया को सपोर्ट कर रहे हो, और तमाम जो लोग जनता, जब तमाम लोग जो हित के लिए खड़े होते हैं, जस्टिस के लिए खड़े होते हैं, कंगना और पायल वो जस्टिस के लिए खड़े होते हैं, पायल अपने लिए वो बात रही है। राजपूत जी पहले इसी का जवाब दीजिए, आप कह रहे हैं कि पीएम से बड़े हम नहीं है, पीएम को टैग किया तो पीएम ही जाने, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, अगर कोई महिला इस तरह के गंभीर आरोप लगा रही है तो आप कहेंगे कि आप राष्ट्रीय महिला आयोग से जा रही है तो वहीं से देख लीजिए, वहीं से आप न्याय ले लीजिए। ये कितना गैर जिम्मेदाराना है राजपूत जी, आपको नहीं लगता कि ये गैर जिम्मेदाराना अंदाज है आप लोगों का? राजपूत जी को सुनना चाहेंगे, राजपूत जी आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं ये आपका एक गैर जिम्मेदाराना अंदाज दिखा रहा है, आपकी पार्टी को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं नहीं, कोई गैर जिम्मेदाराना कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, आप बताइए। आप बोल रहे हैं कि पीएम को टैग कर रही है, राष्ट्रीय महिला आयोग को टैग कर रही है, तो वही देखें एफआईआर करनी चाहिए, जो हमारे देश की प्रणाली बनी उसके तहत उनको चलना चाहिए। बिल्कुल, एफआईआर के लिए तो आज जा ही रही है, तो आपको ये कहना चाहिए था कि एफआईआर हो, उसके बाद सही तरीके से हम पूरे तन मन धन से इस जांच में हम सहयोग करेंगे, आपको ये कहना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि पीएम को टैग कर रही है, पीएम जाने, पीएम से ऊपर नहीं है। श्वेता जी, मैं तो कह ही रहा हूँ कि वो बिल्कुल कोई भी दोषी, जो भी अपराधी इसमें होगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। ये अब आप कहने लगे, अरे बोलने से पहले आप सोच तो लिया करिए कि आप बोल क्या रहे हैं, बोलने से पहले बोल सोचेंगे। तमाम देश की महिलाएं आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, महाराष्ट्र में सरकार है, महाराष्ट्र में तमाम वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो कि अपना करियर बनाने के लिए आती है, वो नई लड़कियां जो उम्मीद लेके आती हैं, वो आपको सुन रही हैं। एक नेशनल चैनल पर आप इस वक्त बोल रहे हैं, सोच के बोलेंगे या कुछ भी बोल देंगे? अरे हमारी 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 जो कानून प्रणाली है वो कार्य करेगी क्यों नहीं करेगी? इसने आपने किसने बोला कि ये कार्यवाही नहीं होगी? आप ही ने अभी ये गैर जिम्मेदाराना ये अंदाज लेकर के ये बयान दिया कि पीएम को टैग किया है, तो पीएम जाना ही है, कर दिया है इस प्रकार से मत गई आप किस जी। मानवी कुछ कह रही है, मानवी बोलिए, जिम्मेदाराना कहां से आ गया? अगर कानून अपना कार्य ना करे तब समझ आ। चेतन जी बहुत देर से नहीं, चेतन जी के पास हम लोग बहुत देर से नहीं गए हैं। चेतन जी खुद ही, चलिए आप लोग शांत हो जाइए, चेतन जी से जानना चाहेंगे। चेतन जी, इसमें क्या होना चाहिए? तमाम नियम कानून हैं, लेकिन ये एक किसी एक महिला की बात नहीं है, पूरे बॉलीवुड की बात है।
आपको क्या लगता है इसमें क्या ऐसा आगे होना चाहिए जिससे कि इस सीन को हम खत्म कर सकें जो कि इस पूरे बॉलीवुड को डर्टी पिक्चर में तब्दील कर रहा है ये सीन? यही तो बोला चेतन जी। देखिए श्वेता जी, यहाँ पर दो बातें हैं। सबसे पहली बात, हर कोई चाहता है कि जो सच है वो सामने आए ताकि उसके ऊपर रिया चक्रवर्ती के ऊपर एक वेरिफिकेशन कैंपेन चलाया गया, उनके बारे में ट्विटर पे सोशल मीडिया पे क्या क्या बातें नहीं बोली गई, पूरी बंगाली कम्युनिटी पे जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या क्या बोला गया, क्या वो एक महिला नहीं है? इस तरह की बातें क्यों आई, कौन निकल के आता है? देखिए भक्तिवाद को छोड़ के थोड़ा ज्ञानवाद पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बात यहाँ महिला पुरुष की नहीं है, बात है अक्यूज्ड और विक्टिम की। मेरी बात अगर कंप्लीट, बात अक्यूज्ड और विक्टिम की हो रही है। देखिए दूसरी बात, यहाँ पर देखिए राजनीति इस तरह से घुस चुकी है कि कंगना रनौत को देखिए, कंगना रनौत कर रही है कि उनकी स्टार कैंपेन के समय में कंगना रनौत बन गई है। देखिए अब आप बिहार चुनाव पे चले गए, आप मुद्दे को क्यों भटका रहे हैं? चेतन जी आपसे हमने एक सोल्यूशन की मांग की, आप मुद्दे को भटका के बिहार चुनाव में लेके चले गए। हम यहाँ उस केस के बारे में बात नहीं करने के लिए आज अपना शो कर रहे हैं, हम एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं कि बॉलीवुड की ये डर्टी पिक्चर कैसे दूर होगी, कैसे इसको ड्रग्स सेक्स स्कैंडल और कास्टिंग काउच इन सब चीजों से कैसे हम बाहर निकालेंगे, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। चेतन जी आपसे हमने सॉल्यूशन मांगा, क्या होना चाहिए जिससे पूरे बॉलीवुड की जो डर्टी पिक्चर है इसको साफ किया जा सके? चेतन जी इस पर बोलिए। देखिए सबसे पहली बात है, राजनीति इसके अंदर ना डाली जाए। जब ये राजनीति आ जाती है एक अभिनेताओं के अंदर, एक बॉलीवुड के अंदर, तो इससे क्या हो रहा है, एक बॉलीवुड के लिए एक नफरत नजर आ रही है। अगर इतनी नफरत है बॉलीवुड से तो मत देखिए ना, ये तो देखिए बॉलीवुड आपसे तो है नहीं, कब से साहब कितने समय से है। अगर रिया के ऊपर भी बात करी जाए तो क्या है, जो ड्रग्स का मामला है, चीजें करी गई, क्या ना देखें, फिल्म में ना देखें, या बॉलीवुड से हाथ मूंद लें, उसकी गंदगी को ना देखें। राजनीति कैसे बोल सकते हैं, एक लेडी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा है उस पर आप राजनीति कह रहे हो? आज तमाम जो लेडीज हैं, तमाम औरतें जो बाहर स्मॉल टाउन से आती हैं, वो उनका ड्रीम होता है कि हम मूवीज में काम करें, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, राजनीति कह रहे हैं आप? जितनी लेडीज आती है उनको हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है, 99% एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको राजनीति कह रहे हैं? नहीं देखिए देखिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ सबको इंसाफ मिले, लेकिन आप इस तरह की राजनीति से राजनीति के चश्मे से कोई चीज साबित नहीं है। अगर राजनीति के चश्मा राजनीति बोलिए, देखिए ऐसा है श्वेता जी, देखिए आप निष्कर्ष पे आना चाहते हैं लेकिन आप कैसे निष्कर्ष पे आएंगे? आपके चेतन जी यहाँ आकर रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता बनते हैं जो कि प्रूवन ड्रग में ऑलरेडी और यहाँ जो अपने उसको मानवी थोड़ा सुन लेते हैं शालिनी जी को, मानवी थोड़ा शालिनी जी कुछ कहना चाह रही है, उनको सुन लेते हैं। शालिनी जी बोलिए। देखिए ऐसा है, आप कैसे एक निष्कर्ष पे पहुंच सकती हैं श्वेता जी, क्योंकि चेतन जी यहाँ बैठकर रिया चक्रवर्ती की प्रवक्ता बन रहे हैं, वो एक प्रूवन ड्रग केस में ऑलरेडी उनकी जांच पड़ताल चल रही है और ये कह रहे हैं कि राजनीति घुसा रहे हैं आप, किस प्रकार की राजनीति? तभी मैंने कहा कि अक्यूज्ड और विक्टिम की बात हो रही है, महिला पुरुष या राजनीतिक दलों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अक्यूज और विक्टिम की बात हो रही है। शालिनी जी बोलिए। शोषण किया जा रहा है, ये समाज की बात है, ये उस थाली की बात है और उसको सफाई करने की बात है, और हर थाली को सफाई करने की जरूरत है। आप तो उसी थाली से खाते हैं चेतन जी, छेद छोड़ दीजिए, पहले साफ तो कीजिए। अब ये साफ करने के लिए हमें दो ही चीजें करनी बहुत जरूरी है, आप और हम किसी का पक्ष ना लें, केवल माए न्याय का पक्ष लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। राजपुंजी अपने सामना में जब ये ना कहें, बिना जांच पड़ताल किए और बिना जांच परख किए कि भाई अनुराग कश्यप एकदम दूध पे धुले हैं, तब जाकर निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं कि न्याय होगा। जब भी आप कंगना जैसी हर एक व्यक्ति और पायल जैसी हर एक व्यक्ति, महिला ना देखते हुए व्यक्ति को देखें, और जब वो अन्याय उसके ऊपर हो रहा हो तब जब आप उसके साथ खड़े रहे और ना कि घूमकर उसको हरामखोर बोले, तब जाकर आपकी थाली साफ होगी। इसलिए पहले क्या कहेंगे राजकुंज जी, समय कम है, 30-30 सेकंड का वक्त आप लोगों के पास है, राजकुंज जी बोलिए। देखिए आप इस प्रकार से फिर आप न्यूज़पेपर की बात कर रही हैं, सामना एक हर चीज उसमें लिखा जाता है, चाहे कोई प्लस हो या माइनस हो, किसी को नेगेटिव लगे पॉजिटिव लगे। लेकिन कंगना के बारे में तो कभी नहीं लिखा आपने, कंगना के बारे में कहां लिखा? आप भी महाराष्ट्र सरकार में रही है जो की वो सही उठाती है, आपने तो कभी नहीं लिखा। आप ये कहेंगे कि आज ही जब से हमारी सरकार बनी है तभी से यात्रा शुरू हो गया, अरे भाई सबको मिलकर चलना चाहिए, महाराष्ट्र सबका है, आपका भी हमारा भी, चाहे किसी के साथ भी गलत हो रहा है, चाहे वो महिला है या पुरुष है,
बिल्कुल आपने सही बोला कि व्यक्ति महाराष्ट्र के सीएम नटकी कहते हैं, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं, नहीं महाराष्ट्र के सीएम ने क्या, उन्होंने तो शुरू से सुशांत जी के परिवार को भी बोला था कि धैर्य रखिए, संजय राउत जी ने बोला साहब कि धैर्य रखिए, लेकिन कोई नहीं रखा, उन्होंने धैर्य रखिए नहीं बोला था, उन्होंने कहा पूरा विश्वास सुन लेते हैं, एक करके बोलिए आप लोग थोड़ी सोशल मीडिया के साथ हम लोग हैं तो बेहतर है क्योंकि एक दूसरे को सुन पाएंगे। सोशल मीडिया वो तो कह रहे हैं कि मई के अंदर सारा कुछ गंगा जी के नाम कर दिया था, अब ऐसी बातों को मत कहिए, किसी से ठेस पहुंचती है उनके परिवार को, उनके पिताजी को नहीं कहना चाहिए, उनका अभी जस्टिस की बात कीजिए जिसके ऊपर पूरा देश चल रहा, तो उसी में हम रहे तो ज्यादा बेटर। और अब ड्रग की बात करें तो बॉलीवुड का अगर एंगल ले रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट आपसे निकाल के मामला सीबीआई को क्यों देता यदि आप लोग ठीक काम कर रहे होते हैं? तो अब क्या फांसी लगी? सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा दिया है मुंबई पुलिस के ऊपर, आरोपी अभी तक बिल्कुल, यानी कि अगर इस डर्टी पिक्चर को साफ करना है तो हम सबको इसमें साथ मिलके आना होगा, लड़ने के बजाय इसमें मजबूत करना होगा उस सिस्टम को जो कि इस पिक्चर को साफ करे, जो कि इस थाली के छेद को भरे, हमें सबको हाथ मजबूत करके एक साथ इसको हटाना होगा जिससे कि पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है वो कम से कम इस तरह के आरोपों में ना घिरा रहे और हमारे आपके परिवारों के जो बच्चे वहां अपना करियर बनाने के लिए जाते हैं वो किसी डर के साए में ना रहे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जिस तरह लगातार आरोप लग रहे हैं बॉलीवुड के ऊपर, क्या वाकई इसमें बहुत सारे छेद हो गए हैं, क्या उन छेद को भरने और इस थाली को साफ करने की जरूरत है, अगर जरूरत है तो किस तरह से हम और आप भी इसमें इस थाली को भरने के लिए आवाज उठा सकते हैं, इस डर्टी पिक्चर को, चाहे हम नेपोटिज्म की कुछ हद तक बात करें, ड्रग्स की बात करें या फिर हम कास्टिंग काउच की बात करें, इसको इस पर आवाज उठाकर इसकी जांच में सहयोग करके इसको दूर कर सकें। तो इसी के लिए 10 का दंगल में आज हमने इस गंभीर मुद्दे को चुना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, नमस्कार। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।